गोल्डी बरार, मैं आनंद तिवारी बोल रहा हूँ न्यूज 18 इंडिया से। हाँ जी सर, हाँ जी तिवारी जी, नमस्कार। नमस्कार, मेरी बात गोल्डी बरार से हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल सर, गोल्डी बरार बोल रहा हूँ। गोल्डी, ये जो अभी हाल में एक बड़ा हत्याकांड हुआ है राजस्थान में सुखदेव सिंह गोगा मेडी का, ये आपने कराया है, आपने, रोहित गोदारा ने? हाँ जी सर, बिल्कुल जी, ये हमने कराया जी, हमारे भाईचारे ने कराया जी, ये रोहित गोदारा भाई साहब देख रहे थे सर, इसमें हमने, हमारे भाईचारे ने कराया जी। ये क्यों क्यों आपने करनी सेना के इतने बड़े नेता की हत्या करवाई? हाँ जी सर, क्यों करवाई आपने? सर ये नेता तो क्या था, नेता तो क्या था सर, नेता के नाम पे कलंक थे सर, ये जातिवाद के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाने वाला सर ये लालची बंदा था जी। हमारा इसके साथ डिस्प्यूट कोई किसी प्रॉपर्टी के मैटर को लेके हुआ था जी, ये हमारे साथ कोई 19-20 कर रहा था जी किसी प्रॉपर्टी के मैटर में, हमने इसको रोका था जी एक दो बार की ना इंटरफेयर, पर इसके दिमाग में अहंकार ज्यादा था जी, थोड़ा तो मैं करना पड़ा जी इसका काम। गोल्डी बरार, ये बताइए, आपने सुखा दूनी के हत्याकांड आपने करवाया, इसके अलावा आपने जो एक बड़ा आतंकी था खालिस्तानी कनाडा में सुखा दूनी के, उसकी भी हत्या आप लोगों ने कराई, आप लोगों की पोस्ट आई थी सामने? बिल्कुल सर, हमने की थी जी इसकी हत्या, वो हमारे भाइयों के मर्डर में जी इन्वॉल्व था और ड्रग का व्यापार करते थे जी वो, बाहर भी और इंडिया में भी, तो हमने मारे जी इसको। अच्छा, क्या वजह थी, क्या ये निजी दुश्मनी थी सुखा दुनिके को मारने की? बिल्कुल निजी दुश्मनी थी सर, वो हमारे भाई गुरलाल बराड़ और इनकी मिट्टू खेड़ा के मर्डर में इन्वॉल्व था सर, बिल्कुल वो फोनों पे सारा वही हैंडल कर रहा था, तो वो हमारा पर्सनल रंजिश थी जी उसके साथ। तो ये आतंकी अर्श डल्ला भी आपके निशाने पे था? हाँ जी सर, वो भी निशाने पे है जी, वो आतंकी तो क्या सर, नशेड़ी है जी ये, बिना बात के बस, कोई लेन देन तो उनका है नहीं, ये तो ऐसे शरीफ दुकानदारों को डरा धमका के पैसे इकट्ठे करने में लगे हुए हैं, मारेंगे उसको भी सर किसी दिन आ गया टाइम तो जरूर। गोल्डी बरार, सलमान खान को लगातार आप लोग टारगेट कर रहे हैं और कई कई बार देखा गया है कि शूटर्स पकड़े हैं दिल्ली पुलिस ने, महाराष्ट्र पुलिस ने, सलमान खान क्यों नए डॉन देश के लॉरेंस बिश्नोई आप लोगों के निशाने पे है लगातार, इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं वो, सुपरस्टार हैं? सर सुपरस्टार तो हैं जी, इसमें कोई शक नहीं है, पर उसके साथ जो हमारी रंजिश है वो तो हम बता ही चुके हैं जी, वो जो शिकार वाले मामले करके सर बिश्नोई समाज उसके खिलाफ है जी, भाई साहब ने इस चीज का कर रखे जी प्रण कि इसको मारना है, तो जो भाई साहब लॉरेंस भाई साहब जो बात सोच रखी है हम तो उसके पीछे चलेंगे पूरा, हम तो मारेंगे सर। बाकी ये अहंकारी बंदा है सर, इसने अपनी बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी पता नहीं कितने न्यू कमर के साथ धक्का कराया है जी, ठीक है, ये अपने आप को बदमाश समझता है सर, इसको हम दिखाएंगे बदमाशी क्या होती है। गोल्डी बरार, आज ये टाइम गोल्डी बरार कर रहे हैं जी, गिप्पी ग्रेवाल के कनाडा के घर पर आप लोगों ने फायरिंग कराई, क्यों कराई थी, इतने बड़े सिंगर है पंजाब के वो? वो सर वो भी इसी इसको थोड़ा ज्यादा करता था इसकी सर आगे पीछे ज्यादा था सलमान खान के वो, और वो हमारे एंटी और भी सिद्धू मूसे वाला था हमारा एंटी, उसके साथ भी वो थोड़ा ज्यादा पब्लिसिटी सी लेने को ऐसे हाथ पैर मारते थे जी, उसको थोड़ा वार्निंग देनी थी कि अपना थोड़ी औकात में रहे, उसको वार्निंग दे दी जी। हनी तो सिंह भी गया उस बात। गोल्डी बरार, हनी सिंह को भी आपने टारगेट करा, उसको भी धमकी दी, इतने बड़े सिंगर है, दिल्ली में मुकदमा दर्ज हुआ। बिल्कुल सर, उसको तो सर कोई, मैं ऐसे आपको कहूँ उसके साथ हमारी कोई रंजिश नहीं है जी, हमें पैसों की जरूरत थी इसीलिए उसको फोन कराया था जी, हमने कराया था। अच्छा। कोई उसके साथ रंजिश या कोई हमारी दुश्मनी नहीं है, पैसों के लिए फोन कराया था सर, गैंग चलानी होती है तो बहुत पैसे चाहिए होते हैं, इसीलिए फोन कराया था उसको, उसके साथ कोई मैटर। वो फोन आपने खुद करा था हनी सिंह को? बिल्कुल मैंने ही कराया था सर। कनाडा में गोल्डी बरार, आप लोगों का अगला टारगेट कौन है? आप इस समय विदेश में बैठे हुए हैं, अनमोल बिश्नोई भी आपके साथ है, रोहित गोदारा भी आपके साथ है, हम बता देंगे तो सर टारगेट भाग जाएगा जी हमारा, जब आ जाएगा हाथ में तो आपको पता लग जाएगा।
हमारी मेहनत खराब कर रहे हैं। गोल्डी बरार, इतने अत्याधुनिक हथियार आप लोगों के पास कहाँ से आ रहे हैं? सिद्धू मूसेवाला में हमने देखे, लगातार अभी गोगा मेडी हत्याकांड में देखे, सुखा धुनी के वाले में अभी फायरिंग की ताबड़तोड़ आप लोगों ने। सर अब गैंगवार लड़ रहे हैं जी, हथियारों की जरूरत तो है ही सर, इतना बड़ा भाईचारा है जी, हमारे 5000 प्लस केस वारी हो रहे हैं जी, तो ये चीजें हमारे लिए कुछ भी नहीं है सर, जो भी चीज चाहे बाबे की दया से वो ले सकते हैं जी। 5000 दुनिया में ऐसी है जो हमारी पहुंच से बाहर है जी। 5000 आपने बोला आपके गैंग में 5000 लोग हैं? 5000 प्लस हमारे केस वार है जी, जो हमारे केसों में जितने बंदे हैं। अच्छा, भाईचारा तो बहुत बड़ा है जी, गिन ही नहीं सकते। गोल्डी बरार, ये एक खबरें आती मीडिया में कि देश के नए डॉन लॉरेन बिश्नोई, ये हिंदू डॉन का तमगा दिया जा रहा है, तो और क्या दाऊद इब्राहिम से आप लोगों के कोई ताल्लुकात हैं या आपके दुश्मन हैं दाऊद इब्राहिम डी कंपनी? सर ये हमारा दाऊद के साथ कोई संबंध नहीं है जी, वो एक आतंकवादी है जिस शहर में इतने साल रहा है, खाया पिया उसने मुंबई में, उसी शहर को आग लगा के चलाया गया। ऐसे बेकार बंदों के साथ हमारी कोई दोस्ती नहीं है जी, कभी उसको मारने में नाम आ सकता है हमारा, पर हमारी दोस्ती कोई नहीं होगी उसके साथ कभी भी जी। गोल्डी बरार, वो बंदा जिस शहर में इतने साल रह के खा पी के वहां का नहीं हो सकता, उस बंदे में क्या होगा जी। गोल्डी बरार, करणी सेना का इतना बड़ा नेता था सुखदेव सिंह, उसके खिलाफ कई मुकदमे भी थे, वो पहले आनंद पाल के साथ भी जुड़ा हुआ था, तो आपको क्या लग रहा है कि कुछ और भी वजह थी? गैंगवार भी इसको कह सकते हैं एक तरीके से, आपसी काय की सेना सर, जिस सेना का सेनापति मर गया जी वो काय की सेना है जी, बिना बातों के ऐसी तलवारें लेके घूम रहे हैं जी, ऑटोमेटिक वेपनों का जमाना है जी, तलवार लेके खड़े हो जाते हैं ये। इन्होंने सर ये सेना सुना सर गरीबों की प्रॉपर्टियों पे कब्जा करने के लिए बनाई हुई है, और कोई काम नहीं है इनका, जितने इसके पास सुखदेव गोगा मेडी के पास घर थे सारे कब्जे आए हैं जी, कहीं भी एरिया में कोई भी किसी की गरीब की प्रॉपर्टी होती थी ये छोड़ते ही नहीं थे सर, ऐसे कैसे नेता होते हैं। गोल्डी ये बताइए कि खालिस्तान आतंकवाद के खिलाफ है लॉरेन बिश्नोई गैंग की उनके साथ खड़ा हुआ, उनके साथ मिलकर काम करता है? सर हम बिल्कुल आम घरों के आम लड़के हैं जी सारे, हम सारे इकट्ठे हैं, तो जी इतना बढ़िया और इतना बड़ा भाईचारा हुआ है, हम हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ हैं, जो मेरा भी ये नाम जोड़ रहे हैं ये आतंकवाद में, हमने आज तक किसी भी मासूम को टारगेट नहीं करा जी, किसी भी इनोसेंट को या गरीब को टारगेट नहीं करा, ना कभी करेंगे। हमारी अगर दुश्मनी होगी किसी मंत्री के साथ होगी, किसी पुलिस ऑफिसर के साथ होगी, हम उसके साथ पर्सनली निकालेंगे अगर निकाल सकते हुए, तो ये नहीं है कि हम राह जाते गरीबों को या बसों में ट्रेनों में घूमते बंदों को टारगेट करेंगे, ये चीज के हम हमेशा ही खिलाफ है जी। पंजाब की जथेबंदी हो, जो आतंकवादी है हम उसके खिलाफ। गोल्डी, अभी बीच में खबर आई थी कि जो सिद्धू मूसेवाला का जो मैनेजर है शगुन प्रीत, वो अब गैंग की कमान संभाल लिया है बम्बैया गैंग की, और उसके शूटर भी पकड़े गए थे अभी, पंजाब पुलिस ने पकड़े थे। हाँ बिल्कुल सर, वो तो पहले से ही, वो तो सर इन्वेस्टिगेशन में ही है जी, जो हमारा भाई विक्की मिट्टू खड़ा मरा था तब सिद्धू जिंदा था जी, इन्होंने अपने स्टूडियो में जहाँ पे ये गाने रिकॉर्ड करते थे वहां पे तो इनको रात कटवाई है जी, वो तो पहले भी हाथ पैर मारते थे, बाकी गैंग तो क्या है जी, नशेड़ी इकट्ठे हो रखे हैं कुछ, जो रह गए उनकी भी बारी आ जाएगी, वैसे तो खत्म ही है ये सारे कुत्ते बिल्ले जो इकट्ठे हो रखे थे। ये शगन का ये सही बात है, आप ये बाहर बैठे जी किसी कंट्री में, वहां से हाथ पैर मार रहे हैं, 2000 नशेड़ी जो उनके पास है उनको यही संभाल रहे हैं। गोल्डी बरार, क्या आप भारत की सरकार एजेंसी के सामने सरेंडर करेंगे? लगातार भारत की एजेंसियां कोशिश कर रही हैं कि गोल्डी बरार को भारत लाया जाए, पंजाब पुलिस भी, पंजाब सरकार भी। सर हम उस बाबे के आगे भगवान के आगे सरेंडर कर चुके हैं जी, हमारी लड़ाई है हमारे भाइयों के इंसाफ के लिए, जब तक जिंदा है जी लड़ाई जारी रहेगी, हम कभी भी हथियार नहीं टेकेंगे, रोहित भी सरेंडर नहीं करेंगे। रोहित गोदारा का एक साथी है, उन पर अभी 1,00,000 का इनाम भी रखा गया राजस्थान पुलिस से, वीरेंद्र चारण, सुना कि वो भी विदेश भाग गया है अजरबैजान, क्या ये खबर सही है झूठी है? हाँ सर, अब
अपनी सेफ्टी के लिए सारा कुछ करना पड़ता है जी, बाकी ये बाहर पुर जाना किसी देश में ये कोई बड़ी बात नहीं है जी, सारा कुछ करना पड़ता है अपने आप सेफ रखने के लिए। गोल्डी एक आखिरी सवाल, ये सुखदेव सिंह गोगा मेडी के लिए शूटर जो आप लोगों ने हायर करे थे, ये काफ़ी प्रोफेशनल शूटर्स थे, पकड़े भी गए हैं, ये वेपन्स वगैरह इनको कैसे मुहैया कराए थे आप लोगों ने? सर कोई हमने हायर नहीं करे थे जी, वो कोई वो पैसों के लिए काम नहीं करे था जी, वो हमारे भाई हैं, छोटे कह लो बड़े कह लो, हमने कभी किसी बंदे को पैसे दे के काम नहीं कराया। ठीक है जी, अगर वो हमारे काम आते हैं तो हमने उनके काम आना है, पर कभी किसी को पैसे दे के काम नहीं कराया जी, वो हमारे भाई हैं और बिल्कुल उन्होंने अपनी जान हथेली पर रखे काम करे है जी। 15 गार्ड थे उसके साथ असर वाले, फिर भी बीच में जाके भाई साहब मार के उनको बाहर निकले वहां से, इतनी दलेरी वाला काम उन्होंने भाईचारे करके करे है जी, पैसों के लिए नहीं करे।